साथियों आप सभी को सलाम नमस्ते आदाब। साहिल गोरखपुरी के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज आपको लेकर चलते हैं बिहार के एक और गांव में, जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य है, नदी है, जंगल है और जंगली जानवरों का डर है। जंगल पहाड़ों और नदियों से घिरा एक गांव है, जिनकी जिंदगी, रहन सहन और उन गांव के बारे में ढेर सारी जानकारियां जो आपको रोमांचक व आश्चर्यचकित कर देने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना सफरनामा। हमारा सफर सुबह सवेरे 8 बजे शुरू होता है। सूरज अपनी चमकती किरणें हमारे चेहरे व हरी हरी घासों पर पड़ते ही क्या खूब नजारा बना रही है। रास्ते में बैलगाड़ी को देखने के बाद ऐसा मालूम होता है कि हम पुराने खूबसूरत दौर में आ गए हैं, जैसे फिल्मों में मशीन के मदद 12वीं शताब्दी में ट्रैक्टर चला जाता है। हम पनियावा से होते हुए हारना टार पहुँचे। वहाँ पर हमने पता किया कि हमको पहाड़ों पर जाना है, तो वहाँ के लोगों ने बता दिया कि दाएं से होते हुए दोन की तरफ चले जाए, यह रास्ता सीधे पहाड़ों पर ले जाता है। हम बड़ी उत्साह के साथ अपने गाड़ी से आगे बढ़ने लगे। हमें क्या पता था कि जिधर हम बढ़ रहे हैं वह काफी खतरनाक व दुःखदायी होगा। हम लोग गांव की तलाश में जंगल में तकरीबन 17 से 20 किलोमीटर चलते रहे, लेकिन कोई भी गांव का पता नहीं चला। तो साथियों, हम लोग नदी को क्रॉस कर रहे थे। बगल में देख सकते हैं गन्ने का क्षेत्र है। हम लोगों ने बहुत चिल्लाया, भाई खेत के मालिक कहाँ हैं, आइए हमको गन्ना दीजिए। वो नहीं मिले तो हम लोग खुद ही तोड़ करके खाना शुरू कर दिए। भाई आएंगे तो पैसा दे देंगे, एक गन्ने का 500 दे देंगे, लेकिन साथियों इच्छा कर रहा है, नहीं कोई मिला तो खा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो मज़ा आ गया इस गन्ने को खा करके। साथियों, उत्तर प्रदेश में गन्ना इस समय नहीं मिल रहा है हमारे, खासकर महाराजगंज ज़िले में, और यहाँ आकर के बिहार के बेतिया ज़िले में गन्ना देखने को मिला साथियों, इसलिए हम लोगों ने चोरी करके गन्ने को तोड़ के हम लोग जो है खा रहे हैं। इतने दूर चलने के बाद हम थक चुके थे और हमारा हिम्मत जवाब दे चुका था, क्योंकि जंगल काफी घना व जानवरों से भरा था और धीरे धीरे सूरज ढल रहा था। हमें सूरज ढलने से पहले अपने घर भी निकलना था। हम अब फैसला ले ही रहे थे कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इतने में एक गाड़ी सवार मिल जाते हैं। जब हमने पूछा कि इधर गांव किधर है, तो उन्होंने ने बताया कि बस मेरे पीछे आइए। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह हमारे लिए उचित होगा कि नहीं, लेकिन दिल पर हाथ रख कर उनके पीछे हो लिए और साथ साथ ये बताते चले कि हमको यहां तक पहुंचने के लिए एक ही नदी को 16 बार पार करना पड़ा। खतरनाक जंगल, झाड़ियों व नदियों को पार करते हुए बहुत ही मजा व डर दोनों लग रहा था। अंदर गांव का नजारा कुछ इस प्रकार का था। दोनों पीछे आगे दोनों हो गए ना। साथियों, खास बात यह है कि ये बिहार है और बिहार का जंगल कम से कम हम लोग 20 किलोमीटर जंगल के अंदर से हम लोग लगातार गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन जंगल समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ जाएं। तो एक भैया जो है दिखाई दे दिए हैं, जो जंगल के उस पार गांव है इनका 20 किलोमीटर उस पार, तो इन्हीं के पीछे पीछे हम लोग जो है यात्रा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं साथियों, ये बाघ वाला जंगल है, जो जिंदा जंगल है जिसको बोल सकते हैं आप। पूरा देख सकते हैं, जहाँ तक आपको दिखाई देगा पूरा एक बाघ वाला, जहाँ तक आपको दिखाई देगा पूरा बाघ वाला ये क्षेत्र है, क्योंकि जगह जगह लिखा हुआ है कि व्याघ्र क्षेत्र है।
जो वन क्षेत्र है वो व्याघ्र से रिलेटेड है, बाघों से संबंधित है। तो अगर बाघ आए जाएं तो आप लोग अपना गाड़ी रोक लें, उनको जाने दें, वरना जो अटैक कर सकते हैं। तो हम लोग अब अच्छा नहीं लग रहा है आगे बढ़ना, थोड़ा से रोंगटे खड़े हो गए थे इस जंगल को देख करके, हिम्मत नहीं हो रहा था कि आगे बढ़ा जाए। तब तक कि भैया आ गए हैं तो इनसे हम लोग पता लगाए हैं, तो ये कहें हमारे पीछे आइए, हम आपको घुमाते हैं कुछ आगे एक गाँव है। साथियों 16 नदी क्रॉस करके, 16 नदी कुल टोटल 16 नदी क्रॉस करके हम लोग इस जंगल की तरफ आए हैं, और वो नदी भी इसी जंगल में ही है, खास बात है। ये देखिए कितना ख़तरनाक ये ढलान है, यहाँ से जो थोड़ा भी गाड़ी डिसबैलेंस हुआ तो हाथ पैर टूट जाएंगे। मेरे वीडियो को अंत तक बने रहने आप सभी को धन्यवाद। बाय बाय।